मैं कानपुर शहर की एक ऐसी दुकान पर खड़ा हूँ जो कि फुटपाथ में है, और मैं आपको बता दूं कि इस दुकान का नाम है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ठग्गू के लड्डू और बदनाम कुल्फी। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या कारण है इनकी इस दुकान का नाम जो इन्होंने रखा है ठग्गू के लड्डू और बदनाम कुल्फी, और इसके बाद भी आप देख रहे हैं किस कदर से इस दुकान में भीड़ है और कितने दिनों से लोग आते हैं और क्या टेस्ट है इनके लड्डू और कुल्फी में। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है यहाँ की खास बात। अलग ही टेस्ट है। मैं यहाँ पे जब भी मम्मा पापा साथ आती हूँ हमेशा मैं तो यहाँ पे टेस्ट अच्छा लगता है इसका। बस बहुत सालों से 15 साल से ही यहाँ पे मैं, बच्चों को बहुत पसंद है। साल से हो गया खास वजह क्या है और जो है मतलब आइसक्रीम को देखते हुए यहाँ लगता है पेड़ मिल रही है और टेस्ट अच्छा है इसलिए यहाँ पे आते हैं। अब बिल्कुल नाम इसलिए रखा गया गांधीजी ने ये लिखा है कि सत्तर सफेद घर है लगे सत्तर की बिल्कुल घंटा नहीं है, तो जब अपने अंदर घाट पर देखा तो ठग्गू नजर आया तो ठग्गू लड्डू लिखते हैं। हमारे सब शुद्ध ताज़ी चीज़ों से आ जाती है इसलिए लोग बहुत पसंद करते हैं। हमारे लड्डू बहुत दूर तक जाते हैं वो लोग बहुत पसंद करते हैं, बड़ी दूर से लोग मिल जाते हैं और फिल्मी दुनिया में भी लोगों ने पसंद किया है। गर्मी के इस मौसम में जहाँ हर आदमी परेशान है गर्मी से, वहीं पर हर आदमी दो पल के सुकून के लिए कोई यहाँ पर आइसक्रीम खाता है तो कोई कुल्फी खाना पसंद करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दुकान जो कि फुटपाथ में है, ना कोई एसी ना कोई कूलर की यहाँ पर व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर लोगों का विश्वास है जो कि लोगों को यहाँ तक खींचे लाता है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर फिल्मी सितारे भी कई बार आ चुके हैं जो कि यहाँ की आइसक्रीम और लड्डू को चख चुके हैं। ये कुल मिलाकर के उनका विश्वास है कि लगातार ये जीतते जा रहे हैं और इस तरह से कानपुर वासियों के लिए कुल्फी और लड्डू बनाते जा रहे हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं शिवम तिवारी, द न्यूज़ 1.com कानपुर।